अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सब? क्या आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम किचन में हूँ और बना रही थी एक बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस, और सोचा आप लोगों से भी उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। क्विक हैं, मज़ेदार हैं और जो भी खाता है खुश हो जाता है। और इसको जो है ना, मैंने मतलब जो मेरी इतना व्लॉग्स देखते हैं या कुकिंग चैनल्स देखते रहते हैं उनको तो शायद इसका पता हो। ये बहुत फेमस बॉम्बे सैंडविचेस हैं, प्लस मैंने इनको दुबई में खाया था, और क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें जो होती हैं उसके ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रा फैंसी टाइप के वेजिटेरियन सैंडविचेस थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो उसके लिए मैंने पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया था, उसके बाद ऐसे स्लाइसेस में काट लिया, साथ में एक कैप्सिकम ली थी उसको बहुत बारीक बारीक स्लाइसेस में कट किया, और खीरा और प्याज दोनों को काटा हुआ था। ये चॉइस पे है, अगर आप टोमेटोज़ भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ में मैंने चाट मसाला लिया था और ग्रीन वाली सॉस ली थी, उसमें मतलब दही नहीं डाला था, उसके जो क्यूब्स थे उनको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था। प्लस ये वाली सॉस मैंने अपनी चॉइस से बनाई, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप मेयोनीज़ यूज़ कर लें। मैंने मेयोनीज़ केचप और मस्टर्ड को मिक्स करके ना मस्टर्ड सॉस को तो ये बना ली थी। और साथ में ये जी मैंने मोज़रेला चीज़ जो है वो श्रेड की हुई थी, और इसका बार था उसको श्रेड करते हुए मैंने अपना हाथ काफ़ी ज़ख्मी कर लिया, और जो मेरा कुकिंग का प्रोसेस था वो भी काफ़ी रुक गया क्योंकि मुझे चोट काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो फ़िलहाल मैंने कहा अब इसको वाइंड अप करूँ, पूरा तो करना है क्योंकि मैं शुरू कर चुकी थी। और सैंडविचेस हैं तो ऑब्वियसली साथ ब्रेड तो चाहिए ही होगी, अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड है तो वो ले लें, या मेरे पास नॉर्मल रेगुलर ब्रेड थी मैं वही यूज़ करूँगी। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं, और बहुत इजी सा वे है, आप अपनी पसंद से जैसे आपको अच्छा लगे चीज़ों को असेंबल करते जाएं। ये 3 स्लाइसेस वाला बेसिकली सैंडविच होता है, और सबसे पहले मैंने ग्रीन वाली सॉस लगाई। ये कोशिश करें कि ज़्यादा वाटरी ना हो क्योंकि ब्रेड फिर सौगी होने लग जाती है, फिर मज़ा नहीं रहता। तो साथ में फिर मैंने ऐसे स्लाइसेस जोड़ती जा रही थी मैं पोटैटोज़ के, क्योंकि आलू थोड़े ब्लैंड होते हैं, तो कोशिश करें कि आप इसके ऊपर अच्छा खासा चाट मसाला स्प्रिंकल करें। अगर वो नहीं, मतलब उससे आपको फ़ील हो रहा है कि आपके टेस्ट बड्स को नहीं फिर भी सेटिस्फेक्शन हो रही, तो थोड़ा सा सॉल्ट भी साथ साथ ऐड करते जाएं, और हर लेयर में जो है मोज़रेला जो है वो डालते जाएं बाइंडिंग के लिए। ये बहुत अच्छी बाइंडिंग भी कर देगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब एक और स्लाइस रख दें इसके ऊपर, और इसके ऊपर दूसरी वाली सॉस डाल लें। अगर ये सॉस नहीं है तो आप सिंपल मेयोनीज़ डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके ऊपर अपनी पसंद की वेजेस को आप जोड़ दें। मैंने इसमें क्यूकम्बर ऐड नहीं किया था क्योंकि मैं पूछ पूछ के बना रही थी, जिसको जो टॉपिंग चाहिए थी, जो सॉरी फिलिंग चाहिए थी, मैं वो डालती जा रही थी। तो बस इस तरह से ये भी डाला, इसके ऊपर दोबारा से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया, और इसके अंदर मोज़रेला लगा के इसको मैंने बंद कर दिया एक और स्लाइस से। इस तरह आप बनाते जाएँ, एक बार आराम से इनको बना लें, उसके बाद जो है इनको प्रॉपरली हम फिर ग्रिल करेंगे। बेसिकली इस रेसिपी में बटर का ही यूज़ होता है जब आप ग्रिल कर रहे होते हैं। अगर आप बटर मतलब टेस्ट नहीं पसंद आपको तो कोई मसला नहीं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको तवे पे या दूसरा जो नॉर्मल फ्राइंग पैन होता है ना, आप उसमें भी सेक सकते हैं। और इसको ऐसे दबाते जाएंगे तो ये होगा कि मोज़रेला जो है वो जब वो चीज़ मेल्ट होगी ना तो बहुत अच्छी बाइंडिंग कर देगी, तो ये खाने में आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा सैंडविच। बस ये मैंने बारी बारी सारे ग्रिल कर लिए थे, और ये इसकी फ़ाइनल शक्ल थी, और माशाल्लाह ये इतने अच्छे बने थे कि ये एक भी नहीं बचा। बच्चों ने, हमारे घर कुछ बच्चे भी आए हुए थे गेस्ट, और उन्होंने भी और सबने इतने शौक से खाया कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, मैं अब आपको साथ ही एक और रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, ये भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ईजी बनती है। उससे सबसे पहले इसके लिए जो चटनी चाहिए थी उसके लिए मैंने दही में जो है जो ग्रीन सॉस के क्यूब्स थे ना वो मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं वो निकाल के मैंने डाल के रख दिए थे। प्लस मैंने इसमें तकरीबन ये एक ब्रेस्ट
पीस था पूरा चिकन का ना, काफ़ी बड़े साइज़ का, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और साथ में जो है मैं अनियंस कट कर रही हूँ। एक्चुअली ये पकौड़े ही हैं, लेकिन इसमें क्योंकि चिकन डलेगा तो ना ये चिकन पकौड़ा है ना वेजिटेबल पकौड़ा है, ये उनके फ्यूजन है। और ये बड़े मज़े की रेसिपी थी। बस अब इस तरह से आप अपने पसंद से जो है अनियन और बाकी जो जो सब्ज़ियाँ आप चाहते हैं ना इसमें ऐड करना और इसमें डालते जाएँ। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो ज़रूर ऐड करना, इसमें बहुत टेस्टी लगती है। मेरे पास थी नहीं घर में अवेलेबल, वरना मैं ज़रूर डालती। और जो अनियंस हैं वो तो मैंने नॉर्मल कभी भी मैंने पकौड़ों में चॉप करके नहीं डाले। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे कट करके जो होते हैं ना लंबे लंबे से, वो ज़्यादा क्रिस्प, मतलब क्रिस्प हो जाते हैं ना, तो उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस मैंने पहले सोचा कि थोड़े अनियन डालती हूँ, फिर मैंने एक और बड़े साइज़ का प्याज भी लेके बीच में इसके ऐड कर दिया था, वो भी मैंने कट कर लिया है। और पोटैटोज़ इसमें ज़रा फ्राइज़ की तरह लॉन्ग लेंथ वाइज काट के वो डालें तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर आपके साथ, मैंने पहले कढ़ी वगैरह की रेसिपी भी शेयर की ना, तो मैं, आपने देखा होगा कि मैं आलू भी ऐसे ही लंबे लंबे मतलब काटती हूँ। तो जी बस वो करती जा रही थी। और मौसम इतना अजीब सा है कि हर चीज़ को चेक करके ही काटना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है। और ये वाला पोटैटो ना ब्राउन ब्राउन सा हो रहा था, मुझे लग रहा था ख़राब है, इसलिए मैंने इसका कुछ हिस्सा जो है वो डिस्कार्ड कर दिया था। और बाकी बस मैं फटाफट फटाफट काटती जा रही थी। अच्छा जी, धनिया डाल दिया था और दो हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने बारीक, नॉट सो बारीक, क्योंकि मुझे था किसी के मुंह में आएंगी तो कम से कम वो देख के निकाल तो सकें, तो इसलिए मैंने थोड़ी मोटी मोटी काट के ना वो भी डाल दी थी। और साथ में एक टमाटो, जब आप पकौड़े बनाते हैं तो उसमें टमाटर ज़रूर डाला करें, उससे एक तो जूसी बनते हैं, दूसरा सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि वो टमाटर जिस जगह पे होता है ना वो कुक होने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पकौड़े जो है ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये सब करने के बाद मैंने इसमें जो चिकन रखा हुआ था ना छोटा छोटा काट के, वो इसमें डाल दिया, हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। अगर आपके पास फुल है तो वो ज़रूर डालें, मेरे सामने आधा ही पड़ा था, काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने वो डाल दिया। एक टेबल स्पून में, सॉरी टी स्पून मैंने नमक डाला है, एक टी स्पून रेड चिलीज, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़ीरा और ये सूखा धनिया है, थोड़ा सा मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था हल्का सा, ये मैंने गार्लिक पाउडर डाला है और ये अजवाइन है। इसको ऐसे हाथ पे क्रश करके ये इसमें ऐड करें और इसको जो है ना 2 मिनट के लिए मिक्स करके रख दें। थोड़ी देर में इसका पानी खुद ही मतलब निकलना शुरू हो जाएगा ना वेजीज़ का और चिकन का, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। फिर आप इसमें उसके हिसाब से बेसन जो है वो डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। और ये मेरे हाथ पे जो शॉपिंग बैग है ये इसलिए क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, मैंने काफ़ी ढूंढे इधर उधर जो डाई के पैक होते हैं उसमें से भी कहीं नहीं मिला, तो मुझे ना ये रेड चिलीज जो होती है ना हाथों पे फिर बहुत लगती हैं फ्लेक्स जो होते हैं ना, तो इस वजह से फिर मैं बैग से इसको अच्छी तरह मैंने पहले मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत थी मैंने हल्का हल्का स्पून से कर लिया। तो बस मैंने इतना ही पानी डाला है, 2-3 टेबल स्पून ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं, तो सब्ज़ियों का अपना काफ़ी पानी निकल आया था। बस जी अब मैंने ऑयल गरम होने रखा था और ये सिर्फ फ्राइंग से 2 मिनट पहले जो है मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून होगा ये बेकिंग सोडा जो है इसमें ऐड कर दिया था। इससे पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे क्योंकि मुझे इनको थोड़ा वेल कुक रखना था क्योंकि चिकन था अंदर, और अगर मैं इसमें सोडा ना डालती तो ये अकड़ से जाते ना, क्योंकि मैंने मीडियम सी हाइट फ्लेम पर इनको वो किया था, कुक किया था। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम डालते जाएंगे पकौड़े बीच में और जैसे नॉर्मल फ्राई करते हैं सब फ्राई कर लें। जी ये रेडी हो गए थे पकौड़े और ये पीछे जो आप ये ना समझना मैंने कोई जादू करके रखा हुआ, ये मक्खियाँ इतनी आ रही होती हैं ना आजकल घर में, तो मैं इस तरह की जो है ना इंटरनेट से और यूट्यूब से चीज़ें देख देख के ट्राई करती रहती हूँ। तो ये लेमन पे जो है ना मैंने जो होती है ना क्लोव्स वो लगा के रखी हुई थी, तो कि मक्खियाँ उड़ जाए, वो बिल्कुल नहीं उड़ रही थी बाय द वे। एनी हाउ जी अब इसके ऊपर मैंने डाला है चाट मसाला और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो चिकन था वो प्रॉपरली कुक हुआ हुआ था और मैंने छोटा सा पीस तोड़ के देखा था और बिल्कुल प्रॉपरली कुक था और बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर था, बड़ा माइल्ड सा अच्छा सा, बहुत अच्छे बने थे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और ये मक्खियों वाली रेमेडी भी ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आपके घर में मक्खियाँ उड़ जाएं, क्योंकि मेरे घर तो इतनी खास नहीं उड़ी थी। और जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।